हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर मचे घमासान को विपक्ष ने अपना नया हथियार बना लिया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सहित पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहे। सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज और उनके खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने मंथन किया। घंटों मंथन के बाद हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राजभवन पहुंचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राजभवन पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात कर कांग्रेस नेताओं ने ई टेंडरिंग, OPS, कई घोटालों की जांच के लिए गठित कमेटी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में लाठी गोली से सरकार नहीं चलती। 2 लाख रुपए की ई टेंडरिंग गैर कानूनी है। पंचायत को अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने कई सूत्रीय मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमारा 13 मार्च को चलो राजभवन कार्यक्रम होना है, जिसके बाद 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस पर्दाफाश रैली का भी आयोजन सोनीपत से करेगी, जिसका समापन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के साथ होगा। सरपंचों का और पंचायतों का मामला था, इसमें 2 लाख की जो ई टेंडरिंग है वो भी गैर कानूनी है। एक तो पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। फिर ऊपर से ऐसा रूल ला रहे हैं कि एक हफ्ते में नहीं होगा तो डीम्ड टू होगा, CO जिला परिषद उसकी पेमेंट कर देगा। ऐसे जो है पंचायत को पंगु बनाने के इलीगल कैसे कर रहे हैं सर आप? हाईकोर्ट का फैसला है और हाईकोर्ट का फैसला है, और ये पंचायतों को पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंगु नहीं बनानी चाहिए, पंचायत वो इलेक्टेड है, गाँव की सरकार तो वही है, तो उनको पूरा राज करना चाहिए। वही हमने कहा है, लाठी से गोली से सरकारें नहीं चलती प्रजातंत्र में। वार्तालाप के करके, बात करके, महिला है, महिलाओं के भी लाठियां लगी हैं, उनकी चोट भी लगी है। राज्यपाल ने क्या आश्वासन दिया सर आपको? राज्यपाल ने कहा मैं इसकी जांच करूंगा और मैं करूंगा कार्रवाई करूंगा। बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम चला गया है और अभी 13 तारीख को हम चलो राजभवन की ओर, हमारा प्रोग्राम है, यहाँ राजभवन पर आएंगे हम 13 तारीख को 11 बजे, और 6 से 10 के बीच में अभी हमारे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट को लेकर के हमारे सभी नेशनलाइज्ड बैंक और जो LIC के हैं, हर ब्लॉक में एक एक जगह हमारा प्रदर्शन है, और 25 तारीख को सोनीपत में पर्दाफाश रैली का आयोजन किया जाएगा। जी, पच्चीस मार्च को ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मार्च के अंतिम महीने में पर्दाफाश रैली का आयोजन होना था, वो हमने 25 मार्च को सोनीपत में निश्चित किया है। सोनीपत में समापन होगा इस हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का पर्दाफाश रैली के साथ। उसमें जो भी आएंगे, हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जो प्रभारी हैं, वो आएंगे साथ में, और कोई केंद्र का नेता भी आ सकता है। ई टेंडरिंग पर मचे घमासान को लेकर सरकार भी सजग है। हालांकि प्रदर्शनकारी सरपंचों और सरकार के बीच कोई सहमति अब तक नहीं बन पाई। 9 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरपंच डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि इस बरपे हंगामे का कुछ समाधान निकल सकेगा। चंडीगढ़ से सूर्या समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।